नमस्कार, मैं आशा मेहता और आप देख रहे हैं एमजी मीडिया न्यूज। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता की चर्चा देश से लेकर दुनिया तक है। चंद्रयान ने 23 अगस्त को चांद की सतह पर सफल लैंडिंग की। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने कहा, 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाएगा। यह दिन हमेशा प्रेरित करता रहेगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी दो देशों की यात्रा खत्म करने के बाद आज शनिवार को स्वदेश लौट आए हैं। वे ग्रीस से सीधे बेंगलुरु पहुंचे हैं और इसरो के कमांड सेंटर में वैज्ञानिकों से मुलाकात की है। पीएम ने इसरो के वैज्ञानिकों को सैल्यूट किया और उन्हें इस मिशन के लिए बधाई दी। मोदी ने कहा, आपने जो साधना की है वो देशवासियों को पता होना चाहिए। ये यात्रा आसान नहीं था। मून लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग सुनिश्चित करने के लिए वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल तक बना डाला। इस पर विक्रम लैंडर को उतार कर टेस्ट किया गया था। इतने सारे एग्जाम देकर मून लैंडर वहां तक पहुंच गया है, तो उसे सफलता मिलना तय ही था। पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों को ये भी कहा कि आज जब देखता हूं कि भारत की युवा पीढ़ी साइंस, स्पेस और इनोवेशन को लेकर इतनी एनर्जी से भरी है, तो इसके पीछे ऐसी सफलताएं हैं। मंगलयान है, चंद्रयान की सफलता और गगनयान की तैयारी ने देश को नया मिजाज दे दिया है। आज भारत के छोटे छोटे बच्चों की जुबा पर चंद्रयान का नाम है। आज भारत का बच्चा अपने वैज्ञानिकों में भविष्य देख रहा है। आपकी ये भी उपलब्धियां हैं कि आपने भारत की पूरी पीढ़ी को जागृत किया है और ऊर्जा से भर दिया है। अपनी सफलता की गहरी छाप छोड़ी है। आज से कोई भी बच्चा रात में चंद्रमा को देखेगा तो उसको विश्वास होगा कि जिस हौसले से मेरा देश चांद पर पहुंचा है, वही हौसला और जज्बा उस बच्चे में भी है। आपने बच्चे में आकांक्षाओं के बीज बोए हैं, वो वट वृक्ष बनेंगे और विकसित भारत की नींव बनेंगे। युवा पीढ़ी को निरंतर प्रेरणा मिलेगी, इसके लिए एक निर्णय लिया गया। 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाएगा। ये दिन हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा। इसके साथ ही पीएम ने कहा कि चंद्रमा के जिस हिस्से पर हमारा चंद्रयान उतरा है, भारत ने उस स्थान को भी नामकरण देने का फैसला किया है। जिस स्थान पर चंद्रमा 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने कहा, चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 अपने पदचिन्ह छोड़े हैं, वह पॉइंट अब तिरंगा कहलाएगा। ये तिरंगा पॉइंट भारत के हर प्रयास की प्रेरणा बनेगा। ये तिरंगा पॉइंट हमें सीख देगा कि कोई भी विफलता आखिरी नहीं होती। खैर, इस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए एमजी मीडिया न्यूज।